हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद रोहित 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं एज संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है अगर इस प्रकार का प्रश्न रहे तो चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लिखा गया है ए बी सी की वर्तमान आयु का आयु कितना है, 158 है वर्ष है। तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4:7 था। तो बी और सी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, क्या पूछ रहा है बी और सी की वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। तो सबसे हम कहेंगे तीनों वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है, प्रेजेंट में जो योग है कितना है, 158 वर्ष। इसमें बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले, क्या बोल रहा है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इतना है 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले बोले, इसका मतलब अगर 6 वर्ष पहले बोला है तो 6-6 वर्ष तीनों का आयु कम हुआ होगा, या ज्यादा होगा तो 6-6 वर्ष तीनों होगा, क्योंकि एक बार और एक तो रुका नहीं होगा, तीनों का आयु क्या होता, बढ़ता और घटता होगा। तो तीन व्यक्ति कौन सा, ए बी और सी, तो 6-6 वर्ष 18 वर्ष क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस कर देते, तो क्या हो गया 140 वर्ष। अब जो है ये अनुपात जो है ये तीनों का आयु कितना है, 140 वर्ष, यानी 18 वर्ष नहीं है, वर्तमान में इसका योग होगा कितना होगा, 140 वर्ष, और जबकि अनुपात वर्तमान का दिया गया है, इतना अनुपात है। तो कहने का मतलब क्या है, तीन यूनिट यूनिट में जोड़ेंगे प्लस 4 यूनिट प्लस 7 यूनिट, इसका जो वैल्यू दिया गया है 140 वर्ष दिया गया। इसका कहने का मतलब क्या है, 14 जो यूनिट है उसका कितना दिया गया है, 140 वर्ष। यदि हम एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 140/14, तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे, कितना गया 10, ये 10 वर्ष आ गया किसका, यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू आ गया 10 वर्ष। तो हमको निकालना क्या है, बी और सी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो बी कितना है, बी का अनुपात 4 है और सी का 7 है, तो बी का जो आयु होगा, बी के लिए क्या हो गया 4×10 यानी कि 40 वर्ष, और सी का लिए क्या हो गया 7×10 यानी 70 वर्ष, ये हो गया। तो बोला है दोनों का वर्तमान योग, ये वर्तमान नहीं, ये क्या है, 6 वर्ष पहले का ही अनुपात है, 6 वर्ष पहले का अनुपात है, तो वर्तमान निकाला, यानी 6 वर्ष पहले बोला है यहाँ पे, तो वर्तमान निकाला, तो 6 वर्ष क्या करना पड़ेगा, दोनों में ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा +6, ये भी हो जाएगा +6, ये क्या हो जाएगा 46 वर्ष, ये क्या हो जाएगा 76 वर्ष। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि बी तथा सी का वर्तमान आयु का योग, योग जो होगा कितना 46+76, इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6×6=12, यानी 122 वर्ष क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया है मेनक, राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3:2:3:7 है। तो राहुल 12 वर्ष का है, राहुल अभी कितना वर्ष का है, 12 वर्ष का है, तो 4 वर्षों के बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, राहुल अभी 12 वर्ष का है, बोले 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। अभी जो है वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो क्या है अनुपात, वर्तमान में अनुपात है 2:3:7। इसमें बोला है कि राहुल कितना का है, 12 वर्ष का, यहाँ पे राहुल सेकेंड नंबर पे दिया गया, तो अनुपात क्या होगा, राहुल का 3 होगा, यानी कि 3 यूनिट का जो वैल्यू दिया गया है कितना, 12 वर्ष। तो 1 यूनिट का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 12/3 यानी कितना 4 वर्ष हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो इसमें बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर क्या हो गया 4 हो गया, 4 वर्ष बाद बोला, तो तीनों क्या होगा 4-4 वर्ष बाद होगा, तो 4-4 बाद क्या होगा, एक एक यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकला है 4 वर्ष, 4 वर्ष निकला है, तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है 4 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 वर्ष, यानी अनुपात में क्या होगा, 1:1 की वृद्धि होगी,
दो है तो तीन हो जाएगा, तीन है तो चार हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो क्या होगा, तो उनकी जो है आयु का अनुपात, आयु का जो अनुपात होगा तो क्या होगा, एक एक यूनिट की वृद्धि होगी, क्योंकि चार वर्ष क्या होगा बढ़ता है, एक यूनिट का वैल्यू चार वर्ष दिया रहता है। अगर यहाँ पे आठ वर्ष रहता तो कितना, दो दो यूनिट बढ़ता, तो आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, अभी क्या है मेनक का दो, तो इसमें एक यूनिट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। फिर अभी राहुल का कितना है तीन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा एक यूनिट बढ़ जाएगा। फिर क्या है उर्वशी का कितना है सात, इसमें भी क्या होगा एक यूनिट बढ़ जाएगा। कहने का मतलब हो गया ये तीन रेशियो चार रेशियो आठ, ये क्या हो जाएगा आयु का अनुपात हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आयु का अनुपात, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ऐसे ही वीडियो डेली अपलोड होता है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।